नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर बॉलीवुड के दो सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। इन दोनों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की और एक अभिनेता के रूप में काफी आगे बढ़े हैं। रणबीर इन दिनों अपनी फिल्म शमशेरा के रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रणबीर कपूर लगभग 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं और ये वास्तव में फैंस के लिए काफी एक्साइटेड प्रोजेक्ट भी है। रूट इंडिया के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में रणबीर ने दीपिका के बारे में न सिर्फ बात की बल्कि उन्हें उनकी सक्सेस की भी तारीफ की। अपनी फिल्म तमाशा और विशेष रूप से अगर तुम साथ हो गाने के प्रसिद्ध दृश्य के बारे में बात करते हुए रणबीर कपूर ने कहा कि यह दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस से इंस्पायर था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपिका ने इसे किया, दीपिका ने टेबल पर जो लाया उसने उसे जीवंत कर दिया, क्योंकि उसने वास्तव में आपको दर्द महसूस करवाया था और उसकी वजह से यह एक ऐसा प्रतिक्रियाशील दृश्य था। मैं जो कर रहा हूँ रिएक्ट कर रही थी और जो वो कर रही थी मैं रिएक्ट कर रहा था। और दीपिका के साथ काम करना मेरे लिए हमेशा से ही अच्छा समय रहा है क्योंकि हमने साथ में शुरुआत ही की थी। उन्होंने कहा, वह एक अभिनेता के रूप में इतनी बड़ी हो गई है। हमने अपनी दूसरी फिल्म बचना ए हसीनो एक साथ की। जब मैंने उनके साथ फिर से ये जवानी है दीवानी में काम किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी अभिनेता के विकास से इतना हैरान हुआ हूँ। और क्योंकि मैं दीपिका को बहुत करीब से जानता हूँ इसलिए मैं बहुत प्रभावित हुआ और जब तक हम तमाशा पहुँचे तब तक वह अनुभवी थी और उन्होंने मुझे अपने हर शॉट और हर चीज़ से आश्चर्यचकित कर दिया था। इस बीच वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर दो प्रमुख फिल्मों शमशेरा और ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगे। रणबीर के साथ शमशेरा में वाणी कपूर और संजय दत्त भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। उनके पास आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय और नागार्जुन के साथ ब्रह्मास्त्र भी है। वहीं दीपिका पादुकोण की बात करें तो वह हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में अपने फैशन गेम से सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही वह पठान में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम के साथ दिखाई दी। उनके पास ऋतिक रोशन के साथ फाइटर भी है जो बिग बी के साथ द इंटर्न के आधिकारिक हिंदी रीमेक है। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।